चौहटन सीमा पर बसा हर नागरिक देश की दूसरी सुरक्षा पंक्ति बनकर सेना और सुरक्षा बल के साथ हरदम खड़ा है। हमारा आपसी समन्वय और सहयोगी एक दूसरे की ताकत है। यह हमारे सैन्य बलों के लिए गौरव की बात है। यह बात गुरपाल सिंह DIG BSF सेक्टर हेडक्वार्टर बाड़मेर ने BSF की 50वीं बटालियन के बैनर तले सरहद से सटे मिचड़ाऊ गांव में आयोजित सिविक एक्शन प्रोग्राम में बतौर मुख्य अतिथि पद से बोलते हुए कही। कार्यक्रम में 50वीं बटालियन के कमांडेंट नरेश चतुर्वेदी, पूर्व सरपंच मुकेश खंभू, प्रिंसिपल मनसुख राम जोगेश, समाज सेवी दौलत राम खंभू सहित क्षेत्र के 11 सीनियर विद्यालयों के प्रधानाचार्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। सिविक एक्शन प्रोग्राम में DIG गुरपाल सिंह ने कहा कि हमारी युवा पीढ़ी और आज के विद्यार्थियों में देश का भविष्य निहित है। सरहदों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा बलों के साथ ही स्थानीय नागरिकों की सजग पहरेदारी बेहद जरूरी है। धारा 370 और 35A हटने के बाद पड़ोसी मुल्क पाक काफ़ी बौखलाहट में है। वह हमें कमज़ोर करने के लिए अपने नए हथकंडे अपनाने की फिराक में है। ऐसे में हमें हर दृष्टि से सजगता बरतना आवश्यक है। आम सरहदी नागरिक की यह जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, गतिविधि या आपको असहज दिखने वाले कार्य की तत्काल सुरक्षा बल को सूचना दें। सैन्य बल हर स्थिति में आम नागरिक और देश की रक्षा के लिए खड़ा है। जो भारत की यूथ है वो अगर पढ़ाई के साथ साथ अगर अपना खेलों में भी उतना ही रुचि रखेगी तो आशा करते हैं कि आगे आने वाले समय में वो बहुत ही अच्छा एक नागरिक बनेंगे और डिसिप्लिन्ड सिटीजन बनेंगे। क्योंकि खेल एक ऐसा होता है, खेल की भावना से खेला जाता है और इनडायरेक्टली डिसिप्लिन भी पैदा करता है। उसी के मद्देनज़र ये हमने कुछ क्रिकेट का सामान और वॉलीबॉल का जो पूरा किट है ये अलग अलग विद्यालयों को देने का आयोजन DIG साहब से डिस्कस किया था और अप्रूवल के बाद क्योंकि ये पाया गया कि ये ऐसी चीज है जो स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। कार्यक्रम में BSF द्वारा सीमा क्षेत्र के 11 विद्यालयों को क्रिकेट, वॉलीबॉल सहित विभिन्न 4,00,000 रुपयों की खेलकूद सामग्री के किट प्रदान किए गए तथा मिचड़ाऊ व घुमाने का तला के बीच वॉलीबॉल मैत्रीपूर्ण मैच का प्रदर्शन कर विजेता व उप विजेता दलों को पुरस्कृत किया गया।